सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रॉप इन पॉपिया। इस वीडियो में बात करने वाले रिपोर्ट बटन के बारे में कि रिपोर्ट बटन कैसे काम करती है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो हम रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी बंदे को। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और कुछ आंसर्स बताऊंगा आपको मैं कि आप कैसे किसी बंदे को रिपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पर लाइक चैट में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो या फिर किसी के प्रोफाइल में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो। इन दोनों के बारे में बात करेंगे और उनके जो रिपोर्ट वाली सिस्टम होती है ना वो कैसे काम करती है, क्योंकि सुपरसेल का कुछ क्वेश्चन है या कुछ आंसर है रिपोर्ट्स के बारे में जो आपको मैं टोटल एक्सप्लेन करूंगा। तो यह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई जो भी बंदे चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला बेल आइकन और वीडियो पर लाइक कर दो। और कम ऑन भाई, इस वीडियो पर भी लाइक हम रखते हैं 100, तो भाई 100 लाइक हम बस कंप्लीट कर दो यार, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाए हो। इस चीज़ों को मैंने सारे चीज़ों को यार नोट डाउन कर लिया अपने नोटबुक में कि मैं आपको क्या क्या चीज़ बताने वाला हूँ रिपोर्ट बटन के बारे में, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को फुल देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई नेक्स्ट टाइम आप अगर रिपोर्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ हो सकती है। ओके, तो मेक श्योर वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो यार पहले अगर बात करें ना रिपोर्ट बटन के बारे में, तो उससे तो पहला क्वेश्चन ये था उनका, ओके, जो हमारे सुपरसेल स्टाफ के अगेंस्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डज द रिपोर्ट बटन डू व्हेन समवन फाइल्स इट इन योर गेम। मतलब रिपोर्ट बटन क्या करता है अगर किसी बंदे ने आपके गेम के अंदर किसी को रिपोर्ट किया। तो ये रिपोर्ट बटन मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस इंक्लूडिंग हर एक गेम लाइक क्लैश रॉयल, ब्रॉल स्टार्स, क्लैश ऑफ क्लैंस के जितने गेम सुपरसेल के जितने भी गेम्स हैं सारे इंक्लूडेड है। तो अगर आप यहाँ पर जाके इस बटन पर रिपोर्ट पर क्लिक करते हो, मैं बेसिकली करने वाला नहीं हूँ, ओके, क्योंकि बेसिकली नहीं करना चाहिए, मतलब फॉल्स रिपोर्ट कभी मत करना, ओके भाई। तो यहाँ पर अगर मैं रिपोर्ट करूँ तो क्या होगा, उसके अलावा ये चैट के बारे में, प्लस यहाँ पर प्रोफाइल में भी जाके आप किसी भी बंदे को यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, बट ये रिपोर्ट अलग है, वो रिपोर्ट मैं आपको समझा दूँगा टोटल, बट ये रिपोर्ट डिफरेंट होगी। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने रिपोर्ट किया तो ये इस प्रोफाइल को रिपोर्ट नहीं कर रहा है, बट कि यहाँ पर ये बंदा उसकी नेम को रिपोर्ट कर रहा है। तो इसके वजह से अगर ज़्यादा बंदे ने रिपोर्ट किया तब सुपर सेफ उनका नेम चेंज कर देंगे, लाइक नामकरण चेंज कर देंगे, उनको बोला जाएगा कि नाम एंटर, न्यू नेम एंटर करो, तो बेसिकली न्यू नेम एंटर करेगा, बट इससे वो बंदा बैंड उंड कुछ नहीं होने वाला, वो नॉर्मल चीज़ है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना वाला। अगर आप किसी बंदे को रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप उनको चैट को कर सकते हो, तभी वो बंदा का रिपोर्ट हो सकता है। तो प्लस अगर आपने रिपोर्ट किया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा जब कोई भी बंदा रिपोर्ट करता है किसी भी चैट को, तब ये पार्टिकुलर चैट जो हम जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो, प्लस इसके आसपास के चैट मतलब नीचे से लेके ऊपर तक, ये टोटल चीज़ सुपरसेल के तरफ जाती है, ओके, ये मशीन के पास जाती है, जो मशीन है ना भाई, सॉफ्टवेयर जो ये सब चीज़ को केयर करती है उसके पास जाती है, फिर वो मशीन क्लासिफाई करती है, ओके, लाइक उसके अंदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है रिपोर्ट्स के अंदर, मतलब तीन क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें एक हाई रिक्स आता है, मीडियम रिक्स और लो रिक्स, समझ रहे हो, ये तीन टाइप की रिक्स होती है जिनके अंदर वो रिपोर्ट जाता है। फिर वो मशीन वेरीफाई करती है कि जो रिपोर्ट किया गया वो लो में रहेगा या मीडियम में रहेगा या हाई में रहेगा। मैं आप तीनों को बारे में पहले समझा देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। पर एक और चीज़, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि आप फॉल्स रिपोर्ट भी करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को देखा जहाँ पर फॉल्स रिपोर्ट कर देते हैं या प्रोफाइल पर जाके कर देते हैं। तो फॉल्स रिपोर्ट करने से भी यार उन जो रिपोर्ट्स फॉल्स होते हैं ना भाई वो लो रिक्स में जाते हैं, मतलब फॉल्स रिपोर्ट्स, काफ़ी लोग फॉल्स रिपोर्ट्स करते हैं क्योंकि मशीन में यार पहचान जाती है भाई कौन से फॉल्स है या कौन सी रिपोर्ट ट्रू है। तो वो अगर फॉल्स रिपोर्ट है वो है लो रिक्स में जाएगी, तो लो रिक्स में भाई लो रिक्स में ही रहने वाली है। और प्लस यहाँ पर एक प्रायोरिटाइज दिया जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको टॉप में दिया जाता है, जो हायर रिक्स में, और उन पर एक्शन काफ़ी जल्द दिया जाता है। प्लस एक मीडियम रिक्स होता है, तो मीडियम रिक्स में अलॉट ऑफ कंटेंट चाहिए होता है, मतलब सोच लो मैं आप मेरे फ्रेंड्स, ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लो यहाँ पर इन्होंने क्या लैंग्वेज में बात कर रहा है, और यहाँ पर ये लैंग्वेज में यहाँ पर देख लो क्या लैंग्वेज में बात किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर रिपोर्ट करने से ये रिपोर्ट यार हाई में नहीं जाएगी बल्कि मीडियम में जाएगी, क्योंकि एक फ्रेंडली चैट है, यहाँ में अपने फ्रेंड्स के हिसाब से या फिर आपके दोस्ते हैं आपके क्लाइंटमेट्स है तो भाई थोड़ी तो गाली चलती है, आपको पता है ना थोड़ी, बट यहाँ पर जो मशीन है वो पढ़ेगी भाई इस पूरी चैट को कि एक्चुअली में ये लोग कहना क्या चाहते हैं यार, क्योंकि यहाँ पर देख लो ये लोग क्यों बोल रहे हैं, अटैक के बारे में बोल रहे हैं कि अटैक ऐसा किया, बट ये किसी बंदे को यार नीचा नहीं दिखा रहा कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसा ऐसा इस टाइप के नहीं बोल रहे, बल्कि ये लाइक गाली थी लेकिन नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इस टाइप की चैट मीडियम रिक्स में जाएगी, तो मीडियम रिक्स में किसी के भी आईडी बैन नहीं होती है, एक फ्रेंडली चैट है और यहाँ पर थोड़ी गाली चलती है, समझ रहे हो, तो ये अलग बात है। और हाई रिक्स में भी भाई वही जाता है जिसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, मतलब अगर आपने किसी को काफ़ी नीचा दिखाया और ऐसा सिचुएशन हो जाता है भाई, काफ़ी लोग रो देते हैं क्लाइंट में आप उसको, तो वो चैट मशीन लैंग्वेज पढ़ेगी, वो वेरीफाई करेगी हाँ इसको इमीडिएट रिपोर्ट चाहिए, तो वो रिपोर्ट वहाँ पर काफ़ी जल्द एक्शन लिया जाता है। पर इसमें ये भी होता है, मतलब क्या होता है अगर हायर रिक्स पर रिपोर्ट्स हो तो,
तो प्लस ये क्वेश्चन पूछा गया था ओके, तो मॉडरेटर ने बोला कि यहाँ पर एक मॉडरेटर चेक होता है, मतलब जो ह्यूमन होते हैं ना भाई, हायर रिस्क पर जाने के बाद मतलब मशीन चेक कर लिया, उसके बाद ह्यूमन्स चेक करते हैं, इससे मतलब एरर काफ़ी कम होता है, फिर ह्यूमन्स चेक करेंगे कि एक्चुअली में ये सच में गंदा है या फिर ठीक ठाक है, तो मॉडरेटर चेक करेंगे अगर वो सच में हुआ तो क्या हो सकता है। उनमें एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या जेल हो सकती है इस सिचुएशन में, तो उन्होंने बोला कि अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिसमें किसी बंदे ने जेल गया है, बट काफ़ी दूसरे गेम्स हैं जिनमें गए हैं, लाइक पबजी है, काफ़ी दूसरे गेम्स में गए हैं जहाँ पर बंदा ऐसा ऐसा चैट करता है ना भाई, काफ़ी बंदे या सुसाइड कर पाते हैं, किसी को मेंटली अफेक्ट होता है, तो उस टाइप में यार काफ़ी बंदे जेल भी जा सकते हैं। आपने काफ़ी बंदों को देखा होगा जहाँ US के बाहर के बंदे को जो लाइव स्ट्रीम करते करते उनको पुलिस आके ग्रैब कर लेता है भाई, वो सिचुएशन काफ़ी बैड होती है, तो वो सिचुएशन हो सकती है अगर आपने किसी को डीपली अफेक्ट किया या फिर वो सुसाइड किया या फिर उसको कुछ मेंटली आपने अफेक्ट किया तो भाई हो सकता है, बट क्लैश ऑफ क्लैंस में अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, बट मेजोरिटी ऑफ बैंड बाई बैंड हुए, मतलब मेजोरिटी बंदे बैंड हुए। बैंड यहाँ पर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, लाइक काफ़ी उन्होंने बोला कि यहाँ पर 5-6 टाइप्स के उन्होंने बैंड होते हैं, लाइक किसी को वो लोग 2 दिन के लिए बैंड करते हैं, किसी के लिए 7 दिन के लिए, किसी को 14 डेज के लिए, किसी को 31 डेज के लिए, ये सिस्टम है, प्लस किसी को परमानेंटली बैंड कर देते हैं ताकि वो क्लैश ऑफ क्लैंस या कोई भी गेम फ्यूचर में ना खेल सके। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्या हुआ अगर उस वो बंदा डिजर्व नहीं करता है बैंड, मतलब वो बंदा जेन्युइन है पर फिर भी वो बैंड हो गया, तो फिर सुपर का जवाब यह आया कि अगर उन्हें लगता है कि वो यार जेन्युइन है, अगर उनको बैड नहीं होना चाहिए था, तब वो बंदा अपील कर सकता है क्लैश ऑफ क्लैंस में एक रिव्यू, जैसे आप कोर्ट में भाई रिव्यू फाइल करते हो ना भाई, आप गिल्टी नहीं हो, उस टाइप के आप एक रिव्यू फाइल कर सकते हो, उस रिव्यू फाइल करने के लिए आप हेल्प एंड सपोर्ट बटन में जाके यहाँ पर बात कर सकते हो, अगर आपको बेसिकली अगर बैन हुए तो भाई ये तो सिस्टम काम नहीं करेगी, तो आप एक फॉर्म के थ्रू बात कर सकते हो, उस फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर आप बात कर सकते हो कि आपने बैन हो गए थे बट क्यों हुए थे, वो सारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, अगर हुआ तो वो रिव्यू कर सकते हैं, बट उन्होंने बोला कि काफ़ी कम चांसेस होती है जहाँ पर अपील एक्सेप्ट किया जाती है, क्योंकि यार आई थिंक 1% बंदे अपील एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे एक रेडिट पर मुझे एक बंदा मिला था जहाँ पर उसकी अपील एक्सेप्ट की गई थी और उसका बैंड रिमूव हुआ था, बट मैंने जब उनसे पूछा भाई यो भाई बता मुझे यार ये प्रोसेस कैसा है, पर उस बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो आई डोंट नो अबाउट दिस गाइस। ओके, बट आप अपील कर सकते हो अगर आपको लगता है तो, बट यहाँ पर मॉडरेटर्स भी चेक करते हैं, मशीन भी चेक करते हैं, तो लोग गलती कभी नहीं कर सकते, और बैन हुआ अकाउंट्स ऑब्वियसली काफ़ी लो चांसेस होती है। और एक और चीज़ वहाँ पर पूछा हुआ था, क्या हुआ अगर वो बंदा जो बैन हुआ वो अगर न्यू आईडी ओपन किया तो क्या हुआ, आप मतलब आप क्या कर सकते हो फिर। तब उन्होंने कहा वो लोग लाइक एक पार्टिकुलर फ़ोन या डिवाइस या फिर एक पार्टिकुलर आईपी एड्रेस, मतलब जिस एड्रेस से उसने खोला उसको ब्लॉक नहीं करते, बस कि एक पार्टिकुलर आईडी को ब्लॉक करते हैं जिस आईडी से उसने गलती की है। ओके, तो मतलब अगर आप बैंड हो गए हो तो आप उसी डिवाइस में न्यू गेम को चालू कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अपने क्लैश ऑफ क्लैंस के जितने भी कैप्चा है और फिर इंटरनल डेटा है वो सबको इरेज करना पड़ेगा, फिर आप न्यू गेम फिर से खेल सकते हो बट न्यू आईडी के साथ, ये सिचुएशन होती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों नहीं आप या अपने कमेंट्स में एक नेगेटिव कमेंट फिल्टर रखो, जिसमें आप लाइक कुछ बंदे इस टाइप की लैंग्वेज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किंग जे ने बात किया था इस टाइप की लैंग्वेज, या फिर यहाँ पर काफ़ी लैंग्वेजेस है, यहाँ पर देख लो जितने जैक ने बात किया, इस लैंग्वेज को आप क्यों ना फिल्टर कर दो जहाँ पर चैट में डिस्प्ले ना हो, तो ऑब्वियसली इस टाइप की चैट्स को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर ऑब्वियसली एक यहाँ पर फिल्टर क्लाइंट चैट की ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी ऑन कर दिया, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर उस टाइप की मैसेजेस यहाँ पर देख सकते हो, जैक की मैसेज गायब हो गई और किंग की गायब हो गई, तो इस टाइप की मैसेजेस आप गायब कर सकते हो अगर आपको यार उस टाइप की लैंग्वेजेस पसंद नहीं है, तो हेल्प एंड सपोर्ट में मोर सेटिंग में जाके फिल्टर क्लाइंट चैट को ऑन कर लो, मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस टाइप की चैट से। ओके, तो इस टाइप की फिल्टर कर रहे हैं, बट वो लोग और काम कर रहे हैं इसके ऊपर ताकि इसको और इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि किंगजे पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो उनकी एस तक डॉट्स आई थी बट UCK यहाँ पर नहीं आई थी, तो वो लोग और काम कर रहे हैं कि इसको और बेटर बना सके। प्लस एक और उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था सुपरसेल स्टाफ से कि फीडबैक बटन के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा जब भी कोई बंदा यहाँ पर जाके रिपोर्ट करता है तो उनको एक फीडबैक बटन वो लोग दिखाते हैं कि थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग वी आर वर्किंग ऑन इट, इस टाइप की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आई डोंट नो अभी काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी बंदे को रिपोर्ट नहीं किया, अगर आपने किया आपको मालूम होगा फीडबैक बटन आई है कि नहीं आई क्लैश ऑफ क्लैंस में, अगर आ गई तो अच्छी बात है, जहाँ पर वो लोग भेजते हैं थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग, अगर नहीं आई है तो लोग वर्क कर रहे हैं इस फीडबैक बटन के लिए ताकि बंदों को लगे
कि हाँ भाई ये जो रिपोर्ट बटन है वो काम कर रहा है और वो लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। अब प्लस एक और क्वेश्चन सुपरसेल स्टाफ ने एक आंसर दिया था फीडबैक बटन के बारे में, जहाँ उन्होंने कहा जब कोई बंदा रिपोर्ट करता है तो लोग फीडबैक देते हैं कि थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्लास ऑफ क्लाइंट्स वाले जो टीम भाई वर्क करते हैं इस सेफ्टी के बारे में, उन्होंने कहा कि हम लोग फिर जिस बंदे ने मुझे रिपोर्ट किया उसको हम लोग फिर फीडबैक देते हैं, फीडबैक बैक देते हैं, मतलब एक मैसेज देते हैं, यहाँ आई थिंक मैसेज के इनबॉक्स में आती है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो वी आर वर्किंग ऑन इट, मतलब हम लोग उस पर काम कर रहे हैं आपके जो आपने रिपोर्ट किया और हम लोग काफ़ी जल्द रिजॉल्व कर देंगे। इस तरह से वो बंदा खुश हो सकता है। तो भाई बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट बटन कैसे काम करती है, इसमें कितने टाइप्स की कैटेगरीज होती है, लाइक हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। मैंने आपको बता दिया लो रिस्क में फॉल्स रिपोर्ट्स आते हैं, मीडियम रिस्क में जस्ट फ्रेंडली चैट जो होती है भाई अपने दोस्तों में हम लोग गाली देते हैं वो नॉर्मल होती है, ओके उसमें हम लोग लाइक इतना टेम्पर नहीं होते भाई, इतना गुस्से नहीं होते, वो नॉर्मल हम लोग का चलता है, तो वो मीडियम रिस्क है तो उसमें कुछ नहीं होता। कुछ एक हाई रिस्क होते हैं जहाँ पर आप स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो और वो स्ट्रेंजर्स काफ़ी गुस्से हो जाते हैं, उस टाइप में आप बैन हो सकती है, और बैन भी भाई 2 दिन के लिए होती है, 7 दिनों के लिए, 31 डेज और परमानेंट होती है, वो डिपेंड करते हैं आप किस टाइप की चैट कर रहे हो। और फिर काफ़ी चीज़ों की मैंने बात की थी, जैसे पहले मशीन चेक करती है आपकी चैट को, उसके बाद मतलब एक पार्टिकुलर चैट नहीं पूरी चैट चली जाती है सुपरसेल के सॉफ्टवेयर में, वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद मॉडरेटर जो होते हैं ह्यूमन वो खुद चेक करते हैं आपके चैट को कि असली में ये एक्चुअली में क्या किया जाए इस बंदे को। तो आपको पता होगा अगर डिजर्व नहीं करते हैं बैन तो अपील कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बट अपील के काफ़ी कम चांसेस होती है क्योंकि यहाँ पर मशीन की चेकिंग होने के बाद ह्यूमन चेकिंग भी होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि न्यू बंदे मतलब सेम बंदे न्यू आईडी खेल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और नेगेटिव कमेंट फिल्टर, फीडबैक के बटन के बारे में, ये सब इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई जितना उसे उतना शेयर करो अपने सभी बंदों के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में भाई मुझे काफ़ी टाइम लिए, अब मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है, तो मेक श्योर भाई जितना उसे उतना शेयर करना, क्योंकि यार हमें इतनी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है मेरी कि ये वीडियो को इतनी रीच मिलेगी, बट आप लोग चाहोगे तो बहुत जल्द होने वाली है। ओके तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भाई जो भी यार बंदा यार वीडियो को कॉपी करना चाहता है तो मेक श्योर यार कॉपी करना है तो भाई क्रेडिट ठीक से देना, वरना ठीक नहीं बात है। ओके भाई तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन पीस आउट एंड क्लैश ऑन।